अस्सलाम वालेकुम। के न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं हारिस अली शगिलानी और मैं हूं कुत्सिया शोकर। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मुल्की और गैर मुल्की ताजा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लिए चलेंगे साहिवाल, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियां अली रजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर उम्मीदवार कौमी असम्बली राजा इरफान अहमद खान ने कहा है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने कौम को शऊर दिया और मुल्क कौम के हकूक की जंग लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन किया। पूरे खानदान ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर तारीख भी जिंदा हो गई। इन ख्यालात का इजहार फख्रे पाकिस्तान राजा इरफान अहमद खान मेहमान खुसूसी ने 132 नोएल साहिवाल में शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह की बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इमरान हुकूमत ने पिछले 3.5 साल अवाम को बेवकूफ़ बनाए रखा और महंगाई का सबब बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क कौम को संगीन बहरानों से निकाल बाहर करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मजीद लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साबिक वजीर आजम के साहबजादे बिलावल भुट्टो हमारे लीडर हैं, वही इस मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं और बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं। इनके अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का अक्स है। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आम इंतखाबात पीपल्स पार्टी डंके की चोट पर हिस्सा लेगी और मेरे कायद बिलावल भुट्टो वजीर आजम मनसब पर बैठेंगे। कौम की दुआएं बिलावल भुट्टो के साथ हैं। इस मौके पर साबिक वजीर मुमलिकत बराए तालीम महर गुलाम फरीद काठिया, महर यूसुफ क्लासन और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर कारकुनों ने बेनजीर भुट्टो शहीद आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, राजा इरफान अहमद खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।